नमस्कार, मैं हूँ वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फोर। न्यूज़ इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शहर सदर मंसूर पठान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने किया सरेंडर। घटना के बाद शहर में तनाव, शहर हुआ बंद। भीकन गांव शहर में आज सुबह 11:40 बजे पुलिस थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर मुस्लिम समाज के शहर सदर की दिन दहाड़े युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। बेसिकली दो लोग हैं जिनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद था, उसी पुराने विवाद को लेकर आज एक पक्ष ने, जो आरोपी है उसने, जो विक्टिम है उस पर गोली चलाई थी। तो जैसी पुलिस को सूचना मिली तत्काल लोगों ने यहाँ पे बताया पुलिस को, तो पुलिस ने आरोपी को राउंड अप कर लिया और जो घायल था उसको इलाज के लिए यहाँ से खरगोन रेफर किया है और बाकी आगे की कार्रवाई जो है उसमें कायमी वगैरह वो पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। बाकी शहर में जो कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा हुई थी, तो अभी वर्तमान में पर्याप्त बल सभी जगह लगा हुआ है। बाहर से भी बल की जो आवश्यकता थी उसके हिसाब से भी बल आ गया है। स्थिति अभी वर्तमान में सामान्य है। बाकी आप लोगों के माध्यम से मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि घटना जो है इसके संबंध में किसी प्रकार की बातों के उसमें ना आए और शहर की फिजा को बिगड़ने की अगर कोई बात होती है तो उसको नकार के और आपस में सहयोग करके किसी भी तरह की बातों में ना आकर कोई गलत वो ना करें और माहौल अच्छा बना करें। अभी जो है कुछ, अभी तो वर्तमान आसपास के कुछ क्षेत्रों से भी बल आया है, आसपास के थाना क्षेत्रों से बल आया है, उसके अलावा कुछ आसपास के जिलों से, खंडवा से, बड़वानी से, वहाँ से भी कुछ बल एहतियातन तौर पे भिजवा दिया गया है। तो वो यहाँ भीकन गांव के अलावा आसपास के और भी क्षेत्रों में उनको लगाया है ताकि हमारे न्यूज़ इंडिया फोर चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।